हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल। आज से हम प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक मेथड है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो वेलकम टू दिस चैनल, दैट लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। व्हाट इज़ द प्लांट इंट्रोडक्शन? सबसे पहले बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कि किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस करना किसी न्यू एनवायरमेंट में, दैट इज़ द प्लांट इंट्रोडक्शन। अपन बात करेंगे कि या ये एक इंडिया है एंड यहाँ पे यूएसए है। तो यूएसए में जो कोई प्लांट है नया जो बहुत पहले से उगाया जा रहा है, बट वो इंडिया में नहीं उगाया जा रहा, तो यूएसए से इंडिया में उसका एक्सपोर्ट हुआ और इंडिया में उस चीज़ को उगाया, डेट इज़ द प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब प्लांट का दूसरी जगह इंट्रोडक्शन होना, डेट इज़ कॉल्ड एस प्लांट इंट्रोडक्शन। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इट कंसिस्ट द टैकिंग ऑफ जीनोटाइप, ए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप इन टू ए न्यू एनवायरमेंट। किसी न्यू एनवायरमेंट में जीनोटाइप्स को लाना ही उसका प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। इसके अंदर कोई वेराइटी हो सकती है, कोई वाइल्ड रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या हो सकता है, ये प्लांट इंट्रोडक्शन विद इन द कंट्री और दो दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। विद इन द कंट्री मतलब दो स्टेट के बीच में, और फ्रॉम द कंट्री मतलब दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में इंट्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज द प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आप देख सकते हो, सारा हिस्ट्री आप पढ़ लेना। अब क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से इंट्रोडक्शन हुए थे, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर टू USSR फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिको, चाइनीज सोयाबीन फॉर टू नॉर्थ अमेरिका, इथोपियन कॉफी टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ओके, अब बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। इन प्लांट इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई किस हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करना, जहाँ पर ऐसी जगह इंट्रोड्यूस करना जहाँ पर फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, ठीक है, जिससे कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा कि जर्म प्लाज्म को एनरिच करना, कलेक्शन को एनरिच करना। तीसरा कि ऐसी वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करना जो कि किसी बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस हो, ठीक है। और चौथा कि ऐसी प्लांट स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना जो कि उस एरिया में कोई न्यू इंडस्ट्री बिल्डअप करने के काबिल हो, जैसे कि लाइक ऑयल पाम, ठीक है। डेट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब बात करें टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंड इंट्रोडक्शन, बेस्ड ऑन अडोप्टेशन एंड इंट्रोडक्शन। इसके अनुसार दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। और बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन एंड इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम बात करेंगे फर्स्ट प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ऐसा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर जो वैरायटी आई, जो किसी जगह से वैरायटी लाए अपन और उसको सीधा उगा दिया लाकर, दैट इज़ द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। मतलब जो कि उस जो जिस जगह पे न्यू एनवायरनमेंट में लाए तो वहाँ पहले से ही वो सूटेड है, उस एनवायरनमेंट के प्रति सूटेड है, मतलब लाए और उसको वहाँ जाके उगा दिया, डेट इज़ द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। उसके अंदर कोई सेलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डेट इज़ द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। बात करें व्हेन द इंट्रोडक्शन वेराइटी वेल सुटेड टू द न्यू एनवायरमेंट इट इज रिलीज्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन विदाउट एनी अल्ट्रेशन ऑफ जीनोटाइप। इसके अंदर इसके जीनोटाइप में कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जाता, इन प्राइमरी इंट्रोडक्शन में उसके जीनोटाइप में कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जाता, उसको जैसे कि जैसे लाए वैसे के वैसे आकर उसको उगा दिया, दैट इज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्ट वीट वेराइटी सोनेरा 64 और लर्मा रोजा फ्रॉम मैक्सिको, ड्राफ्ट राइस वेराइटी ताइचुंग नेटिव फर्स्ट या TN फर्स्ट और IR8। ओके, अब बात करें सेकेंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेकेंड इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, जो जो अपन ने वेराइटीज जो दूसरे जगह से ला रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले सेलेक्शन करेंगे या हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उसके अंदर कोई न्यू करेक्टर डेवलप करेंगे, देन उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ द सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। मतलब उसके जो जीनोटाइप में उसमें अल्ट्रेशन करेंगे। ओके, जीनोटाइप में अल्ट्रेशन करेंगे, जीनोटाइप में अल्ट्रेशन, दैट इज द सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। या इंट्रोड्यूस वेराइटीज
वेराइटी सब्जेक्टेड टू सेलेक्शन यूज इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम विद लोकल वेराइटी। लोकल वेराइटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करेंगे, देन उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। डेट इज द सेकेंड इंट्रोडक्शन टू गेट द इम्प्रूव्ड वेराइटी विद सम न्यू करेक्टर। जो जो पुरानी वेराइटी वो किसी इम्प्रूव्ड करेक्टर के साथ होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कल्याण सोना या सोनालिका वीट की वेराइटी है जो कि सीमिट मैक्सिको से इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, अब सब बात करें प्रोसीजर क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन की प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, प्लांट्स और जर्म प्लाज का प्रोक्योरमेंट करेंगे जो कि किसी भी NVPGR IVPGR से होता है। NVPGR IVPGR से प्रोक्योरमेंट करेंगे जर्म प्लाज्म का, ठीक है। देन प्रोक्योरमेंट करने के बाद में उसकी पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और डिस्पैच करेंगे उसका, पैकेजिंग प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जो भी प्लांट पार्ट है, जो भी प्लांट पार्ट है जिसको अपन उगाने के काम में या प्रोपोगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसे प्रोपोग्यूल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट पार्ट्स जो कि प्रोपोगेशन के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोग्यूल। तो उस प्रोपोग्यूल को अपन पैकेज करेंगे एंड डिस्पैच करेंगे, ओके, सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस को प्लांट क्वारंटाइन करेंगे। अब प्लांट क्वारंटाइन मीन्स क्या होता है कि यदि किसी भी प्रोपोग्यूल में या प्लांटिंग मटेरियल में कोई भी इंसेक्ट या डिजीज है, कोई भी इंसेक्ट या डिजीज है तो उसको चेक करेंगे। यदि उसके अंदर पाई जाती है तो उसको अपन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, डेट इज़ द प्लांट क्वारंटाइन, या ठीक है। तीसरी प्रोसेस है प्लांट क्वारंटाइन, यदि वो सही निकलता है तो उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपन, ओके। फोर्थ प्रोसेस है कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग मतलब कि उसका उसकी अपन एक सूची बनाएंगे, उसमें नंबर, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, डाटा रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, डेट इज द कैटालॉगिंग। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन करेंगे उसका, इवोल्यूशन जो भी आई जिसको इंट्रोड्यूस करना है उसको इवोल्यूशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। यदि वो बेटर है, इवोल्यूशन में बेटर निकली तो उसका मल्टीप्लीकेशन आगे के प्रोसेस में, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी जगह। दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, ओके। अब क्या है, एजेंसी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। एजेंसी कौन कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन करती है। तो सबसे पहले अपन ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे IPGRI एजेंसी है जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करती है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि रोम इटली में स्थित है, ओके। सेकंड, जो इंडिया में सबसे पहले इंडिया में जो एजेंसी थी वो थी IARI, 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी जो कि न्यू दिल्ली में थी। आफ्टर 1976 नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्टार्टेड हुआ जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन की एजेंसी है, ओके। NVPGR काम करती है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में टू मोर ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं, लाइक फर्स्ट है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, एंड बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ओके। अब बात करें कि जो फॉरेस्ट FRI है वो तो किस पे डील्स करता है, फॉरेस्टीज पे, अब ठीक है। और जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसी मेडिसिनल और बोटनिकल प्लांट्स पे कंसर्न करता है, ओके। अब बात करें कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रूल्स है इसका वो है प्लांट क्वारंटाइन का होता है, जो कि रूल्स का रूल्स है, इम्पोर्टेंट रूल्स है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, DIP एक्ट 1914 में बना था ये एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो कि किसी भी अदर कंट्री से या अपनी कंट्री से किसी अदर कंट्री में इंसेक्ट या पेस्ट को जाने से रोकता है, जो कि प्लांट क्वारंटाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर कहता है यदि किसी प्लांट पार्ट में किसी डिजीज या इंसेक्ट का प्रकोप है तो वो उस जगह पे आ नहीं पाएगा, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जो कि प्लांट क्वारंटाइन में लगता है, ओके। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मेरिट्स क्या क्या है, इट प्रोवाइड द एंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट टू ए पैलेस, किसी एक पैलेस पे न्यू क्रॉप प्लांट को प्रोवाइड्स कराता है। दूसरा, सुपीरियर वैरायटी में भी और
ओरिजिनेटेड डायरेक्टली आफ्टर सेलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा जर्म प्लाज्म कलेक्शन में, और चौथा ये इम्पोर्टेंट है कि एक सबसे क्विक मेथड है, प्लांट ब्रीडिंग का सबसे क्विक मेथड है जिससे अपन कोई किसी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसकी डीमेरिट्स की बात करें कि प्लांट इंट्रोडक्शन के कारण इंडिया में कुछ वीड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। लाइक कौन कौन से वीड इंट्रोड्यूस हुए थे? आर्जिमोन, इकोर्निया, लेंटाना, डेट इज कुछ फंगल डिजीजे आ गई थी, लाइट लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, फ्लैश स्मट ऑफ वीट, कॉफी रस्ट, बंचिक टॉप ऑफ बनाना हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। एंड देन सीज कुछ इंसेक्ट भी आए, लाइक पोटेटो ट्यूबर मोथ, वुली एफिड ऑफ एप्पल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अचीवमेंट कौन कौन से प्लांट इंट्रोडक्शन के, कि न्यू क्रॉप स्पीसीज आई लाइक पोटेटो, मेज, ग्राउंडनट, चिलीज, कॉफी, रबर, गवावा, ग्रेप, पाइनएप्पल, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक गुलमोहर, साल्विया, एस्टर, ऑल हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड्स। कुछ न्यू क्रॉप वेराइटीज आई जो कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, यदि डायरेक्ट सीधा जो कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आई, जाए लाइक ड्राफ्ट वीट वेराइटीज, सोनेरा 64, लर्मा रोजा, ड्राफ्ट राइस वेराइटी, TN फर्स्ट, IR8, ठीक है। कुछ क्रॉप प्लांट लाइक ओट, सोयाबीन, टोमेटो, कलीफ्लावर, ओनियन सीधे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के से आए या प्राइमरी इंट्रोडक्शन आए। और सेकेंड इंट्रोडक्शन से कौन कौन सी वेराइटीज़ आई? सेकेंड इंट्रोडक्शन से वीट की वेराइटीज़ आई लाइक कल्याण सोना या सोनालिका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो कमेंट करें, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल गोग्रीन एग्री। थैंक